हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अल्पना बरुआ। वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा नया चैनल है। फिर से आई हूं एक नया वीडियो लेकर। आज मैं फ्लावर का केयर टिप्स के बारे में नहीं बताऊंगी। समर सीजन स्टार्ट हो गई, इसीलिए समर गार्डनिंग के लिए समर सीजन में ग्रोथ होने वाला 20 फ्लावर पौधा का नाम लेकर आई हूँ, जो लगाने से ये समर सीजन में अच्छी तरह ग्रो होगा और गार्डन का शोभा बढ़ाएगा। कुछ भी पौधा लगाने से पहले कौन सा पौधा कब ग्रो करेगा जान लेना चाहिए। विंटर सीजन में ग्रो होने वाला पौधा को समर सीजन में लगाने से या समर सीजन में ग्रो होने वाला पौधा विंटर सीजन में लगाने से अच्छी तरह ग्रो नहीं होगा और ग्रोथ भी नहीं होगा। इसीलिए कौन सा पौधा कब लगाना है जानना जरूरी है। तब आइए जान ले समर सीजन में ग्रो होने वाला 20 पौधे के बारे में। पहले एक नंबर में लाई हूँ समर ग्रो इंडोर प्लांट एंथोरियम क्रिस्टेलिनियम। बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा बड़ा पत्ता वाला ये एंथोरियम को आप लोग ये समर सीजन यानी बारिश का सीजन में लगा सकेगा, अच्छी तरह ग्रो करेगा। एंथोरियम का बहुत वैरायटी है, वो भी आप लोग ये समर सीजन में नर्सरी से ला कर लगा सकेगा, अच्छी तरह ग्रो करेगा। ये देखिए इसका नया पत्ता निकला है। बारिश का सीजन स्टार्ट होने का तुरंत बाद ही इसका नया पत्ता निकला। नंबर टू समर ग्रोइंग प्लांट क्रोटन। क्रोटन को इसका ब्यूटीफुल लीफ के लिए लगाया जाता है। क्रोटन का बहुत वैरायटी है। मेरा ये क्रोटन का नाम जुलुक क्रोटन है। ये बारिश का सीजन में आप लोग इसका कटिंग से इजीली ग्रो कर सकता है। क्रोटन बारिश का सीजन में ग्रो होने वाला पत्ते का फूल है। नंबर थ्री समर ग्रो इंडोर प्लांट डोंकी स्टेल। ये बारिश का सीजन में इसका ग्रोथ खूब अच्छी तरह होता है। ये बारिश का सीजन में आप लोग इसका कटिंग से ग्रो कर सकता है, इजीली ग्रो होगा। डोंकी स्टेल हैंगिंग बास्केट में लगाने वाला इंडोर प्लांट है। आप लोग नर्सरी से भी इसका पौधा ला कर लगा सकते हैं ये समर सीजन में। नंबर फोर समर ग्रोइंग इंडोर प्लांट सेलागिनेला अपोडा। बारिश का सीजन में खूब अच्छी तरह ग्रो होता है। ये मॉस प्रजाति पौधा है। मॉस प्रजाति बहुत वैरायटी है। अच्छी ग्रोथ के लिए इसको ह्यूमिडिटी चाहिए। ये पौधा मिट्टी के नीचे नीचे फैलता है, इसीलिए आप लोग इसको बड़ा मुंह वाला गमले में लगाइए। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये समय में आप लोग इसका पौधा नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। नंबर फाइव समर ग्रो इंडोर प्लांट जीजी प्लांट। ये बारिश का सीजन में इसका जोर से नया नया पौधा निकलता है। इसको ये समर सीजन में आप लोग नर्सरी से ला कर लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करेगा। मुझे इतना जानकारी है इसका दो वैरायटी है, एक ग्रीन और एक ब्लैक। मैं ये ब्लैक वाला जीजी प्लांट लाई हूँ नर्सरी से इसका ब्यूटीफुल लीफ देखकर। और ये ग्रीन लीफ वाला जीजी प्लांट है। जीजी प्लांट को इसका जोर से निकलने वाला छोटा छोटा पौधा लेकर नया पौधा बना सकते हैं और इसका राइजम से नया पौधा उगा सकते हैं। इसका पत्ते से भी नया पौधा निकल सकते हैं। खूब अच्छी तरह ग्रो करता है ये समर सीजन में। नंबर सिक्स समर ग्रोइंग इंडोर प्लांट ए बड़ा बड़ा पत्ते वाला फिडल लीफ फिग। ये बारिश का सीजन में अच्छी तरह ग्रो करता है। आप लोग इसका पौधा नर्सरी से ला कर लगा सकते हैं बारिश का सीजन में। इसका कटिंग से भी ग्रो होता है और इसका पत्ते से भी ग्रो होता है। ये इंडोर प्लांट है। छांव में रखिए, डायरेक्ट धूप में मत रखिए। छांव में ब्राइट लाइट में रखने से अच्छी तरह ग्रो करता है। नंबर सेवन समर ग्रो इंडोर प्लांट क्यूबिक पेपरमिया। इसको स्कैंडस पेपरमिया नाम से भी जाना जाता है। ये बारिश का सीजन में खूब अच्छी तरह ग्रो होने वाला पौधा है। हैंगिंग बास्केट में लगाने वाला पौधा है। इसका खूब छोटा वाला कटिंग से भी ग्रो होता है इस बारिश का सीजन में। ही मिलने से इसका कटिंग आप लोग लाइए या इसका पौधा आप लोग नर्सरी से ला सकते हैं। डायरेक्ट धूप में मत रखिए, छांव में रखिए, ब्राइट लाइट में रखिए, तभी पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। नंबर एट समर ग्रोइंग इंडोर प्लांट साफलेरा। बारिश का सीजन में खूब अच्छी तरह ग्रो करता है। समर का पहले बारिश में ही इसका नया पत्ते निकला है, ये देखिए। इसका कटिंग से भी ये समर सीजन में ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो नर्सरी में से भी आप लोग इसका पौधा ला कर लगा सकते हैं। ये इंडोर प्लांट है, इसीलिए आप लोग डायरेक्ट धूप में मत रखिए। इसका पुराना पौधा से फूल खिलता है
इसका अलग अलग वैरायटी है। ये भी एक वैरायटी है, इसका पत्ता थोड़ा अलग है। समर सीजन में खूब अच्छी तरह ग्रो होने वाला प्लांट है। नंबर 9 समर ग्रोइंग इंडोर प्लांट कार्डोय लिली, इसको फुटबॉल लिली नाम में भी जाना जाता है। बारिश का सीजन में इसका पत्ते बड़े बड़े निकलते हैं। ये बल्बस प्लांट है, ये बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसका जड़ से नए नया पौधे बारिश के सीजन में निकलते हैं। इसका बल्ब ही मिलने से आप लोग लाकर लगा सकते हैं। छोटे वाले बल्ब से इसका पत्ते छोटे छोटे निकलते हैं, इसीलिए जब भी आप लोग कभी नर्सरी से इसका बल्ब लाने से बड़ा वाला बल्ब लाइए। इंडोर प्लांट है इसीलिए शाम में रखे ब्राइट लाइट में, तो भी अच्छा से ग्रो करेगा। नंबर 10 समर ग्रोइंग इंडोर प्लांट कैलेंडरिया, ये बारिश का सीजन में खूब अच्छी तरह ग्रो होता है। आप लोग नर्सरी से इसका पौधा ला सकते हैं। ये समर सीजन में इसका जड़ से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, वो सब भी काट कर नया पौधा ले सकते हैं। इसका अलग अलग वैरायटी है। ये इंडोर प्लांट है, धूप में मत रखिए, शाम में ब्राइट लाइट में रखिए और ह्यूमिडिटी एरिया में रखिए, तभी खूब अच्छे से ग्रो करेगा। नंबर 11 समर ग्रोइंग आउटडोर प्लांट एशियन जैस्मिन, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, चाइनीज एशियन जैस्मिन या स्नो व्हाइट जैस्मिन नाम से भी जाने जाते हैं। ये समर में ग्रो होने वाला प्लांट है। समर में इसका नोट एरिया में नए नए ब्रांच निकलते हैं, छोटा छोटा, ये देखिए। विंटर में इसका पत्ते फेड हो जाते हैं, लेकिन समर में इसके पत्ते व्हाइट और पिंक हो जाते हैं। मेरे जानकारी में इसका अलग अलग दो वैरायटी है, येलो और रेड वाला एक वैरायटी है और व्हाइट और पिंक वाला एक वैरायटी है। मेरे ये व्हाइट और पिंक वाला है। इसका कटिंग से भी नया पौधा उगा सकते हैं ये समर सीजन में, और आप लोग नर्सरी से भी इसका पौधे ला सकते हैं। खूब अच्छी तरह ग्रो करेगा ये समर सीजन में। नंबर 12 समर ग्रोइंग इंडोर प्लांट एग्लोनिमा, बारिश का सीजन में खूब अच्छी तरह ग्रो होता है। इसका अलग अलग वैरायटी है। ये समर सीजन में इसका जड़ से नए नए पौधे उगते हैं, वो सब आप लोग काट कर नए पौधे निकाल सकते हैं कहीं मिलने से, नहीं तो आप लोग नर्सरी से लाइए। बहुत ही ब्यूटीफुल सा पत्ते का फूल है। शाम में ब्राइट लाइट में रखिए, धूप में मत रखिए, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है। नंबर 13 समर ग्रोइंग इंडोर प्लांट फर्न, बारिश का सीजन में खूब अच्छी तरह ग्रो होता है। फर्न का बहुत ही अलग अलग वैरायटी है। इसका जड़ से छोटे छोटे बहुत ही पौधा निकलते हैं, वो सब काट कर आप लोग नया पौधा ले सकते हैं। ह्यूमिडिटी लविंग पौधा है और इंडोर प्लांट है। समर सीजन में बारिश नहीं होने से बहुत गर्मी में आप लोग इसके पत्ते में पानी का स्प्रे कीजिए, तो पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। नंबर 14 समर ग्रोइंग इंडोर प्लांट स्नेक प्लांट, बारिश का सीजन में इसका जड़ से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, वो सब काट के आप लोग नया पौधे ले सकते हैं। ये एयर प्योरीफायर प्लांट भी है, इसीलिए आप लोग रूम में भी रख सकते हैं। इसका पत्ता काट कर लगाने से भी नया पौधा उगते हैं। ये समर सीजन में इंडोर प्लांट है, इसीलिए आप लोग शाम में रखिए ब्राइट लाइट में, तो भी अच्छे से ग्रो करेगा। नंबर 15 समर ग्रोइंग इंडोर प्लांट स्पाइडर प्लांट, समर में खूब अच्छी तरह ग्रो होता है। इसका जड़ से ये समर सीजन में एक छोटा पौधा लेकर स्टॉक निकलते हैं, स्टॉक के आगे में, और वो पौधे से जड़ निकलते हैं, वही में से काट कर आप लोग नया पौधा ले सकते हैं। मेरे जानकारी में इसका दो वैरायटी है, एक में ये जिसका पत्ते में ग्रीन कलर थो बेसी है, और दूसरा वैरायटी ये है जिसका पत्ते में व्हाइट वाला बेसी है। मैं ये व्हाइट वाला नया लगाया हूँ, बहुत ही अच्छी तरह ग्रो किया है। नंबर 16 समर ग्रोइंग इंडोर प्लांट वेरीगेटेड वेंडरिंग जेओ, बारिश का सीजन में खूब अच्छी तरह ग्रो होता है। इसका छोटा से भी छोटा कटिंग लगाने से लग जाता है। हैंगिंग बास्केट में लगाने वाला बहुत ही अच्छा पौधा है। छोटा से भी छोटा पॉट में लगाने से भी वो अच्छी तरह ग्रो होता है। जैसे भी मिट्टी में लगाने से भी अच्छी तरह ग्रो होता है। इंडोर प्लांट है, इसीलिए छांव में रखिए ब्राइट लाइट में, तो भी अच्छे से ग्रो करेगा। नंबर 17 समर ग्रोइंग इंडोर प्लांट प्लम,
ये बारिशा सीजन में खूब अच्छी तरह ग्रो होता है। बारिश का सीजन में इसका जड़ से नए नए पौधे निकलते हैं छोटा छोटा, वो सब काट कर आप लोग नया पौधा ले सकते हैं। प्लम का बहुत अलग अलग वैरायटी है, कोई कोई प्लम को बीज भी होता है, आप बीज को कलेक्ट करके नया पौधा उगा सकते हैं। ये इंडोर प्लांट है, इसीलिए आप लोग इसको ज़्यादा धूप में मत रखिए। इवनिंग और मॉर्निंग का धूप मिलने से अच्छी तरह ग्रो करेगा, ना ही तो छांव में रखिए ब्राइट लाइट में, तभी खूब अच्छा से ग्रो होता है। नंबर 18 समागोइंग इंडोर प्लांट सिंगोनियम, ये बारिश का सीजन में खूब अच्छी तरह ग्रो होता है। ये बारिश का सीजन में इसका कटिंग भी लग जाता है, कहीं मिलने से इसका कटिंग आप लोग ले आइए। सिंगोनियम का अलग अलग वैरायटी है, मेरा ये पिंक सिंगोनियम है, अभी इसका पत्ता थोड़ा फेड हुआ है, वो बरामदा में है इसीलिए बारिश का पानी नहीं मिला। बारिश का पानी मिलने से अच्छी तरह ग्रो करेगा और इसका पत्ता भी पिंक हो जाएगा। आप लोग इसका पौधा नर्सरी से लाकर बगीचे में लगा सकते हैं, खूब अच्छे से ग्रो करेगा। नंबर 19 समागोइंग आउटडोर प्लांट इफ्यूबिया मिली, बारिश का सीजन में खूब अच्छी तरह ग्रो होता है और फूल भी खिलते हैं। मेरे ये व्हाइट वाला इफ्यूबिया मिली देखिए थोड़ा थोड़ा खिलने लगा है, अभी समर सीजन स्टार्ट हुआ ही है इसीलिए फूल कम खिला है। जब बेसी धूप मिलेगा तो बहुत सारा फूल खिलेगा, पूरा फूल से भर जाएगा। इसका अलग अलग बहुत वैरायटी है, इसका कटिंग से इजीली ये समर सीजन में ग्रो होता है। नंबर 20 समर गोइंग इंडोर प्लांट स्नो बोस, इस बारिश का सीजन में खूब अच्छी तरह ग्रो होता है, इसका कटिंग भी बारिश का सीजन में लग जाता है, कहीं से भी लाकर आप लोग कटिंग लगा सकते हैं। विंटर में इसका पत्ते हरा हो जाता है, लेकिन समर में इसका नया नया पत्ते व्हाइट और पिंक हो जाता है, देखने में खूब अच्छे लगते हैं। अभी बारिश का सीजन स्टार्ट हुआ ही है इसीलिए इसका पत्ता थोड़ा थोड़ा व्हाइट हुआ है। इंडोर प्लांट है इसीलिए छांव में रखिए, धूप में रखने से इसका न्यू व्हाइट वाला पत्ते गिने लगते हैं, इसीलिए धूप में कभी भी मत रखिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जो जो प्लांट का बारे में बताया हूँ वो सब आप लोग ये समर सीजन में बगीचा में लगा सकते हैं। और भी समर ग्रोइंग प्लांट है, वो सब के बारे में बताने से वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर से हाजिर होंगे एक नया वीडियो लेकर समर सीजन में लगाने वाला पौधा के बारे में। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए आती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, तब मेरा नया नया वीडियो आने से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।